हेलो व्हाट्सएप, गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल तुम सबके। तो गाइस बात ऐसी है यार, यहाँ पे ना अभी मेरे दर्द हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा सही तरीके से। तो गाइस आज मैं सवेरे सवेरे ना घूमने पे चलाया, वो मतलब कह लो मॉर्निंग वॉक। तो मैं भैया के साथ आया था, भैया चले गए उधर, तो मैं भी जाना चाहता हूँ उधर, लेकिन मैं बैठे बोर हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा यार ब्लॉग शूट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो बाहर निकल जाता हूँ। काफ़ी देर हो गई थी बैठे बैठे, तो मैं बाहर ही निकल गया और अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ गाइस। ठीक है, ना ना करते हुए मैं भैया से मिल आया। मैंने पूछा कितनी देर लगाओगे जाने में भाई, तो बोल रहे हैं 5 मिनट और। ब्रिज मस्त था ना, तो ये कुछ रस्सी टाइप का समझ लो तुम लोग बना रहे हैं ये, इसे ना जो वेट उठा कर लेके जाना है ना तो उसको थोड़ा बांधेंगे। गांव में यार यही एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं नए नए, जो कि शहरों में नहीं मिलते। ये वही जगह है जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, ये वो जगह है जहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करने आता हूँ कभी कभी। वैसे मैं बाहर जाता हूँ नॉर्मली, बट ये गांव के अंदर ही कई मतलब स्पॉट है जहाँ से मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है। थोड़ी कम स्पीड आती है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू जहाँ मैं बाहर जाता हूँ ना वहाँ पे ज़्यादा स्पीड आती है, बट यहाँ पे सही स्पीड आती है, बट घर के थोड़ा ना पास रहता है इसलिए मैं यहीं से अपलोड करता हूँ। और धूप बड़ी हो रही है यार। तो गाइस मैं थोड़ा छाँव में चला आया, वहाँ ज़्यादा ही धूप हो रही थी। लोकेशन तो काफी बढ़िया है वैसे। ठीक है, तो अभी वीडियो अपलोड हो जाने दो, फिर जाएंगे यहाँ से। यार मैंने खाना वाना भी नहीं खाया, मैंने ब्रश भी नहीं करा, अभी ब्रश करूंगा जाके, घर जाके ब्रश वगैरह करूंगा, फिर खाना खाऊंगा, बैंक भी जाना है। इधर से है मेरे घर का रास्ता। यार आधा घंटा हो गया वीडियो अपलोड नहीं हो रही, नेट ना काफी स्लो चल रहा है इधर, काफी ज्यादा स्लो चल रहा है। फाइनली गाइस वीडियो अपलोड हो गई, मैं घर आया हूँ और मैं देखता हूँ कि ये तो नाश्ता चाय पानी कर रहे हैं। अभी मैं रेडी हूँ जाने के लिए, लेकिन एक समस्या हो गई है, मेरा पेट थोड़ा सा खराब हो गया है। मतलब तुम्हें पता ही होगा इससे खेतों में ना दवाई का छिड़काव होता है। जाएंगे, चार्ज हो रहा है, लाइट ही नहीं है, लाइट ही नहीं है, चार्ज हो रहा है। वाह भाई वाह। यार मैं सोच रहा हूँ ना एक आधी रोटी खा ही लूँ, पेट खराब है तो क्या हो गया, खाऊंगा नहीं तो जिंदा कैसे रहूंगा। सब्जी किस चीज की है ये? आलू की भुजिया है और रोटी। ज्यादा हो गई है धूप, काफी ज्यादा हो गई है यार। चलो इधर बैठ के खा लेंगे, मस्त छाँव है। ज्यादा होने के कारण मुंशी जी बोल रही हैं चलो नीचे नीचे खाना, चलो नीचे चलते हैं। ठीक खाएगा रोटी, हमारे साथ हाथ धो रहा था छोटा शैतान बच्चा, फिर आ गया। हेलो हेलो, इसको मैं अभी गुल्ली डंडा खेलना सिखा रहा था, जो कि सीख गया अभी है। गुल्ली को मारे जा रहा है मस्त तरीके से। बैंक जाने का टाइम हो गया है, चल रहा है स्कूटी, निकल चुकी है स्कूटी। ये जो लड़की है इसका मुंह हमेशा बंद रहता है 24 घंटे। बात ऐसी है ना, आज बैंक बंद है लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि हमें चाहिए परसेंटेज, समझेगा? मतलब आज हमारा थोड़ा प्रॉफिट होगा ना, इसलिए हम जा रहे हैं। वो कैसे देख, पीछे के लोग देखो चिमकांडी वो कैसे घूर रहे होंगे हमें। बद्रीनाथ स्पॉट है, बुजुर्गों वाला स्पॉट, अच्छी जगह दिख रही है ना, ये बुजुर्गों वाला स्पॉट है। यहाँ पे रात और दिन मतलब किसी भी टाइम एनी टाइम कोई ना कोई बुजुर्ग बैठा पा जाएगा। और एक टाइम तो ऐसा होता है यहाँ पे ना, मतलब मैक्सिमम लोग मतलब 10 से 15 बंदे खड़े रहते हैं वहाँ पे, बैठे रहते हैं, सॉरी पता नहीं क्या मीटिंग चलती है, खाली रहते हैं पूरे। भैया बैंक पहुंच गए हम, अभी ये डबल स्टैंड पे लगेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, नहीं बताया क्या, इसका जो स्टैंड है ना वो टूट चुका है, दिखाता हूँ मैं। हटाओ पैर, हटाओ सर जी इधर से, ये देखो जुगाड़ करके बांध रखा है इसके स्टैंड को, तो डबल स्टैंड पे ही खड़ा करना पड़ता है इसे, डेली के डेली थकने वाला काम है यार। किसी कारणवश हमें बैंक आज जल्दी बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि आज ना मतलब जो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच भी बंद है, वो तो हमने खोल रखा था जबरदस्ती, तो ना उन्होंने जब मतलब सारी ब्रांचेस जब बंद है ना तो कुछ क्या कहते हैं सर्वर प्रॉब्लम आ गई है, मतलब कि मेंटेनेंस पे काम कुछ चल रहा होगा। हमारी यार चेयर भी टूट गई थी, तो आज हम जा रहे हैं अभी, मतलब जल्दी जब जा ही रहे हैं ना तो इस चेयर को भी ठीक करा लेंगे जाके, पूरी चेयर टूटी पड़ी है, जाके इसको ठीक कराएंगे अभी। बस कल यही ऐसे है, वैसे है, ऐसे ऐसे रहा मेरा खड़ी करेगा बाहर, ये छुपा रहे जा। हेलो वो बोल नहीं कर पाते जी। हेलो हेलो भैया, ओए तो भैया देखिए थोड़ा। तो भाई साहब यहाँ पे हमने चेयर को दे दिया है वेल्डिंग करवाने के लिए, 150 मांग रहा था, 100 में बार्गेनिंग करके मान गया।
पीछे अभी वही वाली जगह गई जहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं सारा टाइम, दिन रात रात दिन। हेलो गप्पन लोग अभी घर पहुंच गए हैं। मेरी आंख में जलन लग गई है, पता नहीं क्या हो गया आपको। मेरे को बड़ी गर्मी लग रही थी, मैंने टोपी उतार दी है, अभी मैं नहाने जा रहा हूँ। यार अभी अपन लोग बोर हो रहे थे क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है और समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, और वो लौंडा जो अंदर जा रहा है वो कहता ही बेशरम है, कहता ही बेशरम, जिसे कहते हैं ना बेशर्मों का बेशर्म, क्या बोले शर्मों का बेशर्म, बस बहुत ज्यादा बेशरम है वो। यहाँ के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये क्लास थर्ड में पढ़ते हैं, नहीं भाई नर्सरी क्लास में। ये हरकत है तो देखो भाई एल के जी की बेशरम आदमी। हमसे कम से कम ये 10 साल बड़ा है, देखने में लगता नहीं होगा। तो क्या कर रहा है ये, क्या हो गया इसको? साहब ये बच्ची मेरे ट्राइपॉड से डर रही है, इसे देख के अभी देखना, पास में जाकर रखूंगा ना फिर देखना। बजा रोने लग जाती है, अब चुप हो गई, जा रही है, अब देख के ट्राइपॉड। इसने चैलेंज किया कि ये भैंसे के ऊपर बैठेगा, लेकिन ये बैठा नहीं क्योंकि ये डर गया। डरपोक 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 गया, डरपोक गया, डरपोक डरपोक गया, डरपोक डरपोक। अभी अपन लोग ने घूमने का प्लान बनाया, फिर से एक खतरनाक जगह पे जा रहे हैं। जगह खतरनाक है कि नहीं वो तो जाने के बाद पता लगेगा, क्योंकि मैं तो नया हूँ एक्चुअली। वो जो मेरे भाई लोग और उसके दोस्त लोग है ना, तो उन्होंने कहा जगह अच्छी है बढ़िया है, तो जाकर देखते हैं पता लगेगा। गाइस भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ ऑटो रिक्शा करके, वहाँ पे काफी दूर है क्योंकि ना ऑलरेडी जो स्कूटी है ना उस पे 3 बंदे ऑलरेडी मतलब बुक हो चुके हैं, तो मैंने सोचा मैं स्कूटी से जाके मिल लूंगा उनसे वहीं पर ही। तो मैं उसको स्कूटी का सॉरी मैं जा रहा हूँ इससे, तो उनसे वहीं मिलेंगे। भाई साहब ये रास्ते में देखो कितनी भीड़ लगी, बढ़िया मछली मार रहे मछली। सब मैं तो पहुंच गया हूँ राजगीर, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ उनका, वो कितनी देर में आएंगे, जबकि मैं ऑटो से आ रहा था वो एक्टिवा से थे, पता नहीं कितनी देर लगाएंगे यार आने में। ये आगे निकम्मे लो, 1 घंटा लगा दिया आने में भाई साहब। भाई साहब घूमते घूमते हम अभी बस अड्डे पहुंच गए हैं, और बस अड्डे से थोड़ा नजदीक पड़ेगा, चलते हैं, चल ही रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे। टूरिस्ट बसेस कितनी हैं यहाँ पे, ये भी टूरिस्ट है, वो भी टूरिस्ट है, ये भी टूरिस्ट है, और उससे बैग वाली भी टूरिस्ट है। अभी आए हुए हैं इटली से लोग, अभी घूम रहे होंगे यहाँ पे। तो गाइस पहाड़ दिखने लग गया वहाँ पे, शाम हो गई है, और सबसे पहले हम जाएंगे वेणुवन। वेणुवन सुना है बहुत इसके बारे में, देखते हैं इसमें क्या क्या खास है। एक बात है यार, मतलब लूटने में ना हर देश आगे रहता है भाई, हर कंट्री, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब जो लोकल लोग हैं उनके लिए 10 रुपये टिकट है, और जो फॉरेनर्स हैं ना उनके लिए 150 रुपये। वाह भाई वाह, सही है सही है, क्या क्या हिसाब है, कितना बड़ा है यार, अंदर जाके पता लगेगा वो तो। देखो लिखा पड़ा है वेणुवन, ले तू ले ले टिकट वहाँ चल। हम टिकट करवाने गए तो थे, लेकिन वो कह रहे हैं मास्क जरूरी है, मास्क लगा के जाओ। भाई मैंने ना मतलब अखा भी इधर इतना जितना भी मैं घूमा हूँ ना भाई, एक सिंगल पर्सन नहीं दिखा मुझे जिसने मास्क लगा रखा हो। इसने खुद ने नहीं लगा रखा था भाई, अंदर बैठा हुआ खुद ने नहीं लगा रखा, हमें बोल रहा है वाह भाई वाह, लेजेंड बंदा है। अब एक जगह और भी है थोड़ा आगे से ना, गली से आगे चल के इस साइड, तो वहां से जाके टिकट लेके देखेंगे, क्या पता मिल जाए, अगर मिल गया तो बढ़ेंगे अंदर, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कभी आने का। देख रहे हो मछलियां पकड़ रहे हैं सारे, क्या बात है, छोटा सा तालाब है, छोटा सा तालाब टाइप का ही हो गया यार, कितने लोग मछलियां पकड़ रहे हैं अंदर। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं यहाँ पे, एक फेमस मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, बुद्ध भगवान का मंदिर है, अंदर उनकी मूर्ति है बहुत बड़ी सी, तो वहां जाने वाले हैं। उस मंदिर का नाम क्या है, जापानी मंदिर नाम है इस मंदिर का, काफी बड़ी मतलब खूबसूरत मूर्तियां, अंदर से काफी बढ़िया डिजाइन है, बट यार ये लोग ना वीडियो नहीं रिकॉर्ड करने देते अंदर, बड़ा गुस्सा चढ़ता है मेरे को, लेकिन मैं रिकॉर्ड करने का ट्राई करूंगा, छुप छुपा कर, टेंशन मत लो तुम लोग। कुछ एंट्री है मंदिर की,
अगल बगल में दुकानें हैं गोलगप्पे का, यार चैलेंज भी करना था यार गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे का चैलेंज हमने किया नहीं है, बट हाँ जल्दी करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। भाई लोग मंदिर तो पहुंच गए हैं, बस एक बार अंदर देख लें जाके, शाम हो गया यार, एक तो ना मजा नहीं आ रहा, मतलब लोल अब मंदिर बंद ना हो अंदर से, बस लोल तो तब हो जाएगा अगर मंदिर बंद हुआ तो। ओ भाई साहब मूर्ति दिखाता हूँ मैं कितनी बड़ी है भाई साहब। देखो गाइस ये भगवान बुद्ध की क्या कहते हैं मूर्ति, काफी बड़ी है, लगभग लगभग 20 फीट की होगी, बट यार ऐसे ना दिखता नहीं है कैमरे में, मतलब पता नहीं लगता कितनी हाइट होगी और क्या लेंथ होगी वगैरह, कुछ पता नहीं लगता, बट यार काफी बड़ी है, मेरे को क्लोज से पता लग रहा है ना, मेरे को काफी अमेजिंग फीलिंग है, फर्स्ट टाइम मैंने इतनी ऊंची मूर्ति देखी है, और अभी कह रहे हैं कि अंदर इससे भी ऊंची मूर्ति है, तो वहां पे चलेंगे, शाम का टाइम हो रहा है यार, सही पब्लिक है इधर ये अंदर चलते हैं रिकॉर्ड करने से, अरे हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई साहब ये जगह कुछ मतलब होल टाइप की, अगर मैं चीखूंगा तो बहुत तेज आवाज आएगी, और अंदर पब्लिक भी है जैसा कि बैक साइड पे दिख रहा होगा तुम्हें, बाकी मंदिर बहुत खूबसूरत बना रखा है, एक नंबर का लग रहा है मंदिर मुझे, बहुत झकास, तुम्हें बैक साइड पे दिख रहा होगा, काफी मतलब बढ़िया लग रहा है यार, सही तरीके से सजा रखा है एक नंबर का, और शाम का टाइम है ना तो इस वजह से क्लियरिटी सही नहीं आ रही थोड़ी, सही में क्लियरिटी सही नहीं आ रही, कोई बात नहीं, किसी टाइम दिन में एक्सप्लोर करेंगे इस पूरी जगह को, ठीक है, तो अभी के लिए जो है इसमें काम चलाओ। मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों को ना सिनेमैटिक शॉट देने का ट्राई करता हूँ, एक आधा सिनेमैटिक शॉट लेने का ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करूँगा, मेरे को यार आता नहीं है सिनेमैटिक शॉट लेना। ये कुछ इस मंदिर की हिस्ट्री लगा लो, हिस्ट्री वगैरह ही होगी, और वैसे अंदर ना फोटो खींचना मना है, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ भाई साहब, सही पब्लिक है, अभी तो शाम हो गया तो ज़्यादा पब्लिक नहीं है, बट जैसे कोई वो होता है ना फेस्टिवल या त्यौहार होता है कोई, तो भाई बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। भाई साहब हम अंदर से चले आए हैं, अंदर वैसे काफ़ी कूल सीन था यार, मतलब सजावट वगैरह बहुत थी, बहुत अच्छा था, काफ़ी बढ़िया लग रहा था मुझे अंदर, और यहाँ पे देखो ये शेर की मूर्ति लगा रखी है पिंजरे में, ये भी काफ़ी बड़ा है, इसका साइज भी तुम्हें पता नहीं लग रहा होगा, इसमें पिंजरे में बंद कर रखा है शेर को, बाब ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये अलग से मतलब इसको खड़ा कर रखा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, कौन सी लैंग्वेज है, ये चाइनीज लैंग्वेज है जापानी लैंग्वेज है, ऐसा लोगों ऐसा ये कह रहा है ये कि अंदर ना एक मंत्र लिखा हुआ था, वही लिखा हुआ है यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में। सिनेमैटिक शॉट लेने नहीं आते, लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ सिनेमैटिक शॉट लेने का, तुम लोग यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो अपने भाई को फटाफट से, मेरे को यार एक वो वाली मूर्ति काफी बढ़िया लगी, काफी मतलब हाइट में है, एंड अंदर की जो लुक था वो भी काफी बढ़िया लगा मुझे, मंदिर एक नंबर का ओसम बना रखा है, बढ़िया है। गाइस अभी इस मंदिर की घूमी घुमाई हो गई, अभी मेरे को एक जगह और जाना था, वेणुवन नाम था उसका, बट यार ज्यादा शाम हो गया तो अभी नहीं जाएंगे, कल को जाएंगे, चाहे तो कल को भी नहीं जाएंगे परसों को जाएंगे जब टाइम मिलेगा, ठीक है, तो अभी के लिए हम राजगीर को लीव करते हैं एंड अपने घर को चलते हैं, ठीक है, ज़्यादा भीड़ है ही नहीं यार, मतलब जो फेस्टिवल के टाइम पे भीड़ होती है ना वो है ही नहीं, स्ट्रिंग नहीं है, हमें लग रही है प्यास बड़ी तेज, और मैं लेना चाहता हूँ स्ट्रिंग, मगर भाई यहाँ पे किसी भी दुकान पे स्ट्रिंग है ही नहीं, मेरे को लग रहा है नाम ही नहीं जानते होंगे स्ट्रिंग का, अगर होगी भी तो इनको पता नहीं होगा कि स्ट्रिंग नाम है इस चीज का, इस कोल्ड ड्रिंक का। भाई साहब स्ट्रिंग लेने के लिए देखो कितनी दूर से कहाँ आना पड़ा, स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक, फाइनली गाइस हमें स्ट्रिंग मिल चुकी है, यहाँ पे घूमते घूमते हमें हो गई है रात, और अभी गाइस जो स्टिंग की बोतल ली थी वो हमने खा ली चौमिन के साथ, अभी और दो बोतल लेंगे हम स्टिंग की, कहाँ गया अपना आटा, एक बात है यार लेकिन अभी हमें पैदल जाना पड़ेगा घर स्टिंग की बोतल के साथ, चलो दो स्टिंग की बोतल और आ गई, एक जिसमें से एक है हमारी, और भैया अभी पैसे वापस करेंगे खुले और हम इधर से निकलेंगे। साहब अभी शाम हो गया और यार घर इधर से ना लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है मेन मार्केट से, तो मैं यार कैसे जाऊं यहाँ से, मिल गया एक हमें ऑटो रिक्शा टाइप की मिल गई है बैटरी वाली,
इससे अभी हम घर जाएंगे। शुक्र है फाइनली मिल गई यार, मेरे को लगा नहीं मिलती तो पैदल जाना पड़ता, कम से कम यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है और गांव वाला एरिया ना तो डेंजर होता है यार, यहाँ पे ना मतलब छीना झपटी और उल्टे सीधे घटनाएं घटती रहती हैं, इसलिए मिल गया तो बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया रहा। अभी मैं पता कहाँ पर हूँ, अपने गाँव से 10 किलोमीटर दूर, अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क पे बैठा हूँ मैं अकेला नहीं बैठा, मतलब ग्रुप में बैठे हैं हम सारे, ये अपन का भाई है और 2-4 लोंडे और हैं और एक ऊपर है। तो अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर भाई दिखाता हूँ, मेरे मतलब आस पड़ोस में ना कोई कुछ नहीं है, सिर्फ जंगल और खेती है। गाइस अभी रात के बज चुके हैं 12 और मैंने खाना वाना सब छू से दिया, टमी फुल है गाइस। आज मतलब दिन में मजा आ गया यार घूमने में, मतलब ट्रैवलिंग करने में जिस्सा आ गया। तो गाइस आज का व्लॉग मुझे पता है आप लोगों को अच्छा लगा, झूठ मत बोलना, कसम खा के कह रहा हूँ, मतलब आप कसम खा के कह बताओ मेरे को, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी, ठीक है। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना यार, गाइस ऐसे खतरनाक व्लॉग्स आते रहेंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो गाइस जरूर कमेंट बॉक्स में बोलना कि कैसा लगा तुम्हें ये मेरा ये व्लॉग, एंड गाइस मतलब यार पक्का लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस प्लीज, तुम्हारे भाई का यार तुमसे एक ये वो प्रार्थना, ठीक है ना। तो गाइस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस, लव यू।